ये गहलोत वसुंधरा का ऐसा गठबंधन राजस्थान के अंदर बना 25 साल में, जिसमें 15 साल 20 साल तो आपको पता ही नहीं लगा, वो तो अशोक गहलोत की पता नहीं कैसे आत्मा के अंदर बात आई और खुद ही बोल गए कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। बोला कि नहीं बोला? तो जो मिला जुली का खेल के में आरोप लगाता था 2009-10 के अंदर, जिसको लेके बीजेपी ने मुझे बाहर निकाला, वो सच्चाई मुख्यमंत्री ने स्वीकार करी। भाइयों, इतना भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री विधायक हत्या लूट बलात्कार, आप देखिए जिनको सीएम ने जीत कर ली नहीं हटाया उन लोगों को, और बीजेपी विपक्ष में नहीं है, सो रही है भारतीय जनता पार्टी, बयानवीर बीजेपी के बयान देते हैं बड़े बड़े, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और दूसरे दिन वापस स्विच ऑफ कर लेते हैं। अखबार में कैसे छपे, मीडिया में कैसे आए, हमारी दरियावत की आदिवासी बहन को जब निर्वस्त्र करके गांव में घुमा दिया, मणिपुर की हिंसा जिसमें महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया पूरे देश के अंदर बदनामी, हम लोकसभा के अंदर हमेशा चीखते थे, कांग्रेस पार्टी भी चीखती थी। मैं ये कह रहा हूं यहां क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, यहां तो उनकी सरकार है, और 3 दिन बाद किसी बीट कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया, एसएचओ को लाइना जिंद नहीं किया। आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, बीट गांव के अंदर ध्यान रखता है, एक एक नई बात पुलिस के पास रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। 3 दिन बाद पता लगा, और 3 दिन बाद पता लगा मुख्यमंत्री जी ने जीत कर ली कि मैं कुछ नहीं करूँ, कुछ मुआवजे घोषणा कर दी, आजकल सिस्टम बन गया, फैशन हो गया, लोग लड़ना नहीं चाहते सिर्फ मुआवजा ही चाहते हैं। ये सही बात है गलत बात है? लास्ट में बात कहाँ टकती है? मुआवजे पे आती है। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने राजस्थान के अंदर, लोग पता नहीं पहले के जमाने में दुश्मनी होती थी गाँव के अंदर, किसी मुद्दे की लड़ाई होती थी, आजकल ऐसा है जो पार्टनर है साथ में और पड़ोसी है वही सबसे बड़ा नुकसान करा, विरोधी से आपको कोई खतरा नहीं। ये कलयुग है, ये कोविड के बाद ज्यादा स्थितियां खराब हो गई, लोगों को लग रहा है वैक्सीन के साथ दिमाग खराब करने का वो अंदर चला गया इंजेक्शन के मार्फत, कितना दिमाग खराब है लोगों का बताएं मुझे। उस जो बीजेपी ये घटना हुई दरियावत की, अमित शाह का कार्यक्रम था बगल में, हम लोगों को लगा कि गृहमंत्री राजस्थान में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां उस महिला से मिलने उसके घर जाएंगे, उस परिवार से जिक्र तक नहीं किया। और प्रियंका गांधी आई टोंक के अंदर, वो आती यहां पर रणथंभौर बाग देखने के लिए, घूमने के लिए आती रहती राजस्थान, टोंक के अंदर जिक्र नहीं किया कि एक बेटी की स्थिति राजस्थान में क्या हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके भाषण देगी। भाइयों, ये मिला जुली का खेल नहीं तो और क्या, मुझे बताओ इस स्टेट के अंदर या देश के अंदर मिला जुली का खेल है पूरा पूरा। 2-3 दिन तक कोई चीज नहीं चलती है, उसके बाद उसको पूर्णा कर दिया जाता है उस चीज को। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने सत्ता को ठोकर मार के 2003 से लेके 2023 पूरे 20 साल हो गए, और 10 साल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर किसान के बेटों की सेवा की। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता था